कराची में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा नेशनल पार्क में होता है, जिसमें हजारों अफराद नमाज ईद अदा करते हैं। इस साल भी नेशनल पार्क में तैयारी आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। शामियाने लगा दिए गए हैं और चूने की सतह बना दी गई है। नेशनल पार्क की इंतजामिया का कहना है कि नमाजियों को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम कहते ये है कि उम्मीद तो हमें कहते इंतजामिया ने पूरी दिलाई है कि जी हम भरपूर तरीके से आपका साथ देंगे और होता भी है, और जो उनके जो जितने मेजर्स हैं सिक्योरिटी के वो ले लिए जाते हैं और करते हैं उस हिसाब से। कराची के पोलो ग्राउंड में जहां वीवीआईपी शख्सियात नमाज पढ़ती हैं, वहां सिक्योरिटी इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी ईदगाहों में जहां आवाम बड़ी तादाद में नमाज अदा करती है, वहां सिक्योरिटी इंतजाम नमाज से चंद घंटे कबल शुरू किए जाएंगे। ईदगाहें हैं जहाँ पर जो लोग जो जमा होंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे ईद अज़ुहा पे, तो उस जगह पे जो है वो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईद के मौके पर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16,000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाएंगे। एक तरफ तो ईद उल अज़हा की नमाज के इस्तेमाल की तैयारियां की जा रही हैं और दूसरी जानिब हुकूमत ने आवाम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। इमरान गौरी, आज न्यूज़, कराची।